दिया के हाथों पर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। दिया खून की बूंदों को देखकर ऊपर देखती है, जहां वो देखती है कि वो चुड़ैल पेड़ पर बैठकर रो रही है। चुड़ैल को देखकर दिया बहुत डर जाती है और चिल्लाती हुई वहां से भागती है। चुड़ैल के खूनी आंसू। ये कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटी से गांव की है। दिया नाम की एक लड़की रात को अंधेरे में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने घर की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरा इलाज करवा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कौन है यहाँ? कौन इस तरह से बैठकर रो रहा है? मुझे बताओ, मैं उसकी मदद करूंगी, मेरे सामने आ जाओ। दिया के इतने बोलते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। तभी दिया के हाथों पर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। दिया खून की बूंदों को देखकर ऊपर देखती है, जहां वो देखती है कि वो चुड़ैल पेड़ पर बैठकर रो रही है। चुड़ैल को देखकर दिया बहुत डर जाती है और चिल्लाती हुई वहां से भागती है। कोई मुझे बचाओ, यहाँ एक पेड़ पर चुड़ैल है, वो खून के आंसू रो रही है, वो अपने खून के आंसू से मुझे मार डालेगी, कोई है? दिया चिल्लाते हुए भाग रही होती है कि तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। तुम तो मेरी मदद करने वाली थी, पर अब मेरे ही खूनी आंसू देखकर तुम मुझसे दूर भाग रही हो, क्या हुआ? अब तुम मेरी मदद नहीं करोगी? तुम एक चुड़ैल हो और मुझे पता है तुम मुझे मार डालोगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस तुम कुछ देर मेरे सामने खड़ी रहो। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से खून के आंसू रोने लगती है और दिया उसे देखने लगती है। तभी दिया के हाथों पर चुड़ैल के गिरे हुए खून के आंसू उसके हाथ को जला देते हैं। अब दिया को दर्द होने लगता है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। अगली सुबह सभी गांव वाले दिया की लाश देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये जली हुई लाश किसकी है? इस लाश से तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की। पता नहीं किस निर्दय आदमी ने इस इंसान को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल तो हमें पुलिस को खबर करनी होगी ताकि पुलिस इस लाश की तहकीकात करके इसके परिवार वालों का पता कर सके और ये भी पता कर सके कि आखिर इसकी जान किसने ली है। सभी गांव वाले पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उस लाश की तहकीकात करती है और अब इसी तरह से वो चुड़ैल गांव के एक एक आदमी को अपने खून के आंसू से जला जला कर मारने लगती है। गांव में आए दिन किसी ना किसी को जली हुई लाश देखकर गांव वालों को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद सभी गांव वाले ये बात गांव के एक बाबा को बताते हैं और बाबा अपनी तांत्रिक विद्या से पता करते हैं कि आखिर ये काम किस चुड़ैल का है और वो ऐसा क्यों कर रही है। कोई फायदा नहीं है, पुलिस कितनी ही तहकीकात ही क्यों ना कर ले पर वो पुलिस वाले कभी भी उस शख्स को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि ये काम किसी मामूली इंसान का नहीं बल्कि एक चुड़ैल का है जो खून के आंसू रोती है और अपने खून के आंसू से इन मासूम लोगों की जान ले लेती है और वो इसी तरह से लोगों को मारती रहेगी। पर बाबा, हम इस चुड़ैल से कैसे अपना पीछा छुड़ाएं और आखिर ये चुड़ैल क्यों हम गांव वालों को मौत के घाट उतार रही है? ये चुड़ैल तुम्हारे ही गाँव की बहू है जो बहुत गरीब परिवार से थी, जिस वजह से इसके माता पिता दहेज में कुछ नहीं दे पाए। इसका पति विदेश चला गया और ये अपनी सास के साथ रहने लगी। इसकी सास बहुत ही अत्याचारी औरत थी जिसने इसे खून के आंसू रुलाया। एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, परंतु इसकी सास ने इसका इलाज नहीं करवाया और इसे कमरे में कैद कर दिया। बेचारी चुड़ैल खून के आंसू रोते रोते मर गई। बस तभी से इसने ठान लिया कि ये इस गांव वालों को माफ नहीं करेगी, क्योंकि सभी गांव वालों को इसकी स्थिति के बारे में पता था पर किसी ने इसकी सहायता नहीं की। बस इसलिए अब ये इस गांव में आकर गांव वालों को मार रही है।
पर मामा, हमसे जो गलती हो चुकी है हम उसे सुधार नहीं सकते। अब हम सभी गांव वाले की जान आपके हाथ में है, आप कुछ भी करके हमें उस चुड़ैल से बचा लीजिए। हाँ बाबा, अब आपके हाथों में ही हम गांव वालों की जान है। बेटा, हम उस चुड़ैल से तुम गांव वालों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसका मुकाबला सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। क्या गुरुजी? तो आप अपने गुरुजी को बोलिए ना कि वो हमारी मदद करें। बेटा, गुरुजी यहाँ नहीं है, वो अभी इस गांव से बाहर गए हैं। पर तुम फिक्र मत करो, हम अभी थोड़ी देर में गांव से निकल जाएंगे और रात होने से पहले गुरुदेव को ले आएंगे। परंतु तब तक तुम सभी को अपना ख्याल खुद रखना होगा। ठीक है बाबा, आप बस जल्दी से गुरुजी के साथ आ जाइए और उस चुड़ैल से मुक्त करवा दीजिए। अब बाबा स्वयं अपने गुरुजी को बुलाने के लिए गांव से बाहर चले जाते हैं। इसी तरह से रात हो जाती है। एक बच्चा अपने घर में सोया होता है कि तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसके घर की छत पर एक चुड़ैल बैठकर खून की आंसू रो रही है। माँ, मुझे बचाओ, अपने घर में चुड़ैल है। इतना बोलकर बच्चा घर से निकलने की कोशिश करता है, परंतु वो निकल नहीं पाता और चुड़ैल उस बच्चे के सामने आ जाती है। तुम कितने प्यारे और मासूम हो, पर मासूम तो मैं भी थी ना, मैं मरी ना, इसीलिए अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। चुड़ैल अपने खूनी आंसू से उस बच्चे को मारने जा ही रही होती है, तभी वहाँ उस बच्चे की माँ आ जाती है। चुड़ैल, मेरे बच्चे को छोड़ दे, अगर तुझे जान लेनी ही है तो मेरी ले ले, पर अपनी सास के किए की सजा तो हमारे गांव वाले और मेरे बच्चों को तो मत दे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी मौत की सजा हर किसी को मिलेगी, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। इतना बोलकर वो चुड़ैल एक बार फिर उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ गुरुदेव आ जाते हैं और चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालकर उससे बोलते हैं, रुक जा चुड़ैल, और तू खूनी आंसू रोना बंद कर, क्योंकि अब तू किसी की जान नहीं ले पाएगी और मेरे होते हुए तो तू इस बच्चे का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाबा, तुझे मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है, अब तू देख कैसे मैं अपने खून के आंसू से इस बच्चे को मारती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है, गुरुदेव माता रानी का पवित्र त्रिशूल अपने झोले से निकालते हैं और चुड़ैल पर वार कर देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और राख बनकर गायब हो जाती है। और इस तरह से सभी गाँव वाले खूनी चुड़ैल के आंसुओं से आजाद हो जाते हैं।